अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा मीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं अपने हर वीलॉग में आपके साथ एक बात शेयर करता हूं कि मैं आपके लिए वैल्यूएबल डील्स लेकर आऊंगा जो अट्रैक्टिव भी होंगी, जिसकी लोकेशन भी बहुत आउटस्टैंडिंग होगी, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पर ग्रोथ भी मिल रही होगी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लॉन्ग रन लेकर चलेंगे तो आपको रेंटल इनकम भी अच्छा गेन होगा। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं इस वक्त तलहा ब्लॉक में मौजूद हूँ और मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग रेडी हो रही है। इस बिल्डिंग के हवाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 मरला बिल्डिंग है, यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग बना के दी जा रही है ये न्योम 2 के नाम से है। यहाँ पर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपको बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज़ बना के दिया जा रहा है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपको कम टाइमलाइन के अंदर टाइमली डिलीवर की जाएगी, और यहाँ पे आपको कमर्शियल और अपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ही अच्छे प्राइसेस के ऊपर अवेलेबिलिटीज़ मिल रही हैं। इस वक्त इस न्योम 2 के प्रोजेक्ट के जो ऑनर हैं मियाँ उमर साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मियाँ उमर साहब आपको तमाम तर डिटेल्स अपने प्रोजेक्ट के हवाले से गाइड करें और यहाँ पर कौन कौन सी अवेलेबिलिटीज़ हैं मियाँ उमर साहब भी आपको बताएंगे, मैं भी आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। सो अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, अभी ठीक ठाक जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। उमर भाई, मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, इसकी लोकेशन कैसी है और आप इसके फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं। जी अली, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन का गाइड करूं। ये तलहा ब्लॉक है आपका सेक्टर ई बैरिया टाउन में, जो कि एलडी अप्रूव्ड एरिया है आपका। जी ठीक है। आप जो मेन आपका आजम भट्टी एवेन्यू है उससे आप टुवर्ड्स आप आएँ मास्टर फार्म हाउस की तरफ, उसके ऑपोजिट ये तलहा ब्लॉक लोकेटेड है। अगर हम इसकी इर्द गिर्द की अम्यूनिटीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पर आईफल टावर की अम्यूनिटी मिलती है, इम्तियाज़ स्टोर आपको यहाँ पर मिलता है, जामिया ग्रैंड मॉस्क बैरिया टाउन पे आपको मिलती है। तो ये सारी इसकी विसिनिटी में ये चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। जी ठीक है। अवेलेबिलिटी में ये है कि हमने इसको नवंबर में लॉन्च किया था लास्ट ईयर प्रोजेक्ट को, तो हमारी मोस्टली 60-70% हमारी बुकिंग यहाँ पे हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड अपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं जो फ्रंट फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास एक शॉप पड़ी है, फ्रंट फेसिंग शॉप है। जी बिल्कुल। सो व्यूवर्स, जैसा कि आपने सुना उमर भाई ने आपको बताया कि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटीज़ हैं उसमें मैक्सिमम इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो कंस्ट्रक्शन की जो पेस होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि उस पर आपकी टाइमली डिलीवरी जो है वो बेस करती है। सो अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताऊँ तो जैसा आप लाइव इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मेरे पीछे चल रही है। नवंबर में इन्होंने बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, अर्थ ब्रेकिंग की गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 से 5 महीने गुजरने के बाद यहाँ पे सेकंड फ्लोर की जो स्लैब्स का काम है, कंक्रीट पोरिंग का काम है, वो किया जा रहा है। और अवेलेबिलिटीज़ के हवाले से इन्होंने बताया कि यहाँ पे कमर्शियल की भी ज़्यादातर जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट है। और इस प्रोजेक्ट में आपको मैं अपडेट करना चाहूँगा कि यहाँ पर कमर्शियल के अंदर सिर्फ आपको एक शॉप की अवेलेबिलिटी मिलती है, जिसकी लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, फेसिंग 100 मेन बुलेवार्ड है, और इसकी जो फ्रंट इसका जो आ रहा है वो तकरीबन इसका 16 फीट आ रहा है, और इसकी जो डेप्थ है वो 22 फीट है। और एक और अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है कि कोई भी एंड यूज़र या फिर इन्वेस्टर जो है वो इसको बाय करते हैं तो आगे आपको 8 फीट का जो है वो आर्केड मिल रहा है, जिसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस जो है वो रन कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, और या फिर आप किसी को रेंट आउट करना चाहें तो रेंट आउट भी कर सकते हैं, उससे आपकी रेंटल इनकम में भी इजाफा होगा। किस तरह के बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे आप फ्रूट का काम कर सकते हैं, आप सब्ज़ी का काम कर सकते हैं, आप आइसक्रीम पार्लर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, फ़ास्ट फूड पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि तलहा ब्लॉक जैसे उमर भाई ने बताया कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पे आ रहा है, इसकी विसिनिटी में आपको बैरिया टाउन की वो बड़ी अमेनिटीज़ मिलती हैं जो आपको किसी और जगह पे नहीं मिल रही होती हैं। बिल्कुल इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको जो है वो मेन बुलेवार्ड मिलता है, वहाँ पर आपको इम्तियाज़ मेगा मार्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपको ग्रैंड जामिया मॉस्क की जो है वो अवेलेबिलिटी मिलती है, PSO फ्यूल स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जहाँ पर डेली बेसिस पे लोगों का फुटफॉल होता है। तो ये पूरा ब्लॉक जो है ये बेसिकली पॉपुलेटेड है, आप जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड पर आपको हर तरफ जो है वो घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल जो है वो किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरह से उमर भाई ने अपने इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ किया और मैं आपको इसकी डिटेल बता रहा हूँ, 1.5 ईयर का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान था जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी आप यहाँ पर बाइंग करेंगे और आपको प्रॉपर्टी डिलीवर की जाएगी तो यहाँ की जितनी भी ट्रांसफ़र्स हैं वो आपको बहरिया की तरफ से मिल रही होंगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं बहरिया में, वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि जो चीज़ बहरिया की तरफ से आपको ट्रांसफ़र मिल रहा है, बहरिया की तरफ से आपको पोजेशन मिल रहा है,
प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो वो आपकी प्रॉपर्टी 110% सिक्योर है। सो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अवेलेबिलिटीज़ हैं। उमर भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे आपके पास अपार्टमेंट्स पे कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है और क्या प्राइसेज हैं उसके, प्लीज़ बताइएगा। जी, मेरे पास यहाँ पे फ्रंट साइड के अपार्टमेंट्स हैं सारे, मेन बुलेवार्ड फेसिंग टू साइड ओपन अपार्टमेंट्स हैं जी। बाय टू साइड ओपन आई मीन कि आपको 100 फीट बुलेवार्ड का भी उसे व्यू मिलता है और आपको बैक साइड का भी व्यू उसे मिलता है जी। यहाँ पे आपकी 40 फीट की सर्विस रोड है जी, बिल्कुल। तो दोनों तरफ से उसकी वेंटिलेशन है। मेरे पास यहाँ पे एक 605 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है जो 6950 से उसकी स्टार्टिंग प्राइस है, और एक 595 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है विच इज 68,50,000। तो आपका 6850 से यहाँ पे अपार्टमेंट के प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं जी। तो अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर में इस वक्त अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। और ये फ्लोर्स की एक खास बात यह है कि आपको इन फ्लोर से, क्योंकि ये टू साइड ओपन अपार्टमेंट्स है, आपको यहाँ से आईफल व्यू भी मिलेगा जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर भाई, मैं एक और चीज़ आपसे कंफर्म करना चाहूँगा, क्योंकि कमर्शियल तो ऑलरेडी हम जानते हैं इस चीज़ को कि कमर्शियल के अंदर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है, एंड यूज़र हो या फिर इन्वेस्टर हो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रो भी कर रही होती है। रेजिडेंशियल्स के लिए बताइएगा कि रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पर क्या एमेनिटीज़ आप दे रहे हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर। नॉर्मली हमने बैरिया टाउन के अंदर देखा कि जो हाई राइज है उसके अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें लिफ्ट एरिया 24/7 चल रहा होता है, आपको प्रॉपर जो है वो फिनिशिंग मिल रही होती है। तो ये अपार्टमेंट जो है वो फर्निश्ड होंगे, नॉन फर्निश्ड होंगे, और यहाँ पे एमेनिटीज़ के लिए रूफ टॉप के ऊपर या फिर आप जो इसकी पार्किंग एरिया है उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या एमेनिटीज़ हैं इसके अंदर? इसमें एक तो एक इसमें आपके पास 40 फीट वाइड पार्किंग है अगर हम पार्किंग एरिया की बात करें। रूफ टॉप पे आपको मार्बल फिनिश के साथ रूफ टॉप हमारी मिलेगी। लॉबीज़ में एक तो हमारी 24/7 लिफ्ट है, दूसरा हमारी सेंसर लाइट्स यहाँ पे यूज़ होती हैं लॉबी में फॉर एनर्जी सेविंग। अगर हम अपार्टमेंट के अंदर की बात करें तो अंदर आपको सेमी फर्निश अपार्टमेंट्स है जिसमें आपको किचन की अप्लाइंसेस मिलती हैं, हॉट प्लेट मिलती है, इसका इलेक्ट्रिक हुड मिलता है, फिर आपको थोड़ा इंटीरियर वर्क मिलता है, इसमें हम वॉल पेपर से डेकोरेशन करके देते हैं, वुड वर्क करके देते हैं, मीडिया वॉल बना के देते हैं, ठीक है। और इंस्टेंट गीजर भी यहाँ पे हम आपको लगा के देते हैं जिसके वॉशरूम में और किचन दोनों में गर्म पानी जो है उसमें उसकी सहूलत उनको क्लाइंट्स को मिलती है जी। बेहतरीन। सो व्यूवर्स, ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि अगर आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बाय कर रहे हैं तब भी आपको बेनिफिट होगा अपनी रिहाइश के लिए, और अगर आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बाय करके उसको रेंट आउट करते हैं तो तब भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अमेनिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी रेंटल इनकम आ सकती है। क्योंकि जब आप किसी को रेंट आउट करेंगे तो जो टेनेंट यहाँ पर आएंगे ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं, 24/7 लिफ्ट मिल रही है आपको, किचन एसेसरीज अच्छी मिल रही हैं, हॉट प्लेट मिल रही है, किचन का हुड मिल रहा है, तो बाकी जो है वो आपको खुद से डिज़ाइन करना होगा, आपको अपना फर्नीचर खुद से लेकर आना होगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लान जो है वो आप इसका स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1.5 ईयर का है, बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। तलहा ब्लॉक के 100 मेन बुलेवार्ड के ऊपर इसकी लोकेशन आ रही है, 40 फीट पार्किंग है। सो इसको आप ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो शॉर्ट टर्म में तो आपको ज़रूर मिल रही है लेकिन आपको टाइमली डिलीवर भी किया जाएगा, जैसा कि आप बैक साइड पर इसका कंस्ट्रक्शन वर्क देख सकते हैं। सो इंशाल्लाह अगर आप इसमें किसी भी तरह की बुकिंग करवाना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिटेल के साथ और न्यू अट्रैक्टिव डील्स के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।